फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ किस तरीके से आप अपने फ़ोन को अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे बोल रहा है न्यू वर्जन आ चुका है, अपडेट ऑफिशियल साइट से आ चुका है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि अगर आपका अगर यहाँ पे शो नहीं हो रहा है तो कैसे चेक करेंगे कि हमारा अपडेट आया है नहीं आया है। तो आपको इसलिए आपको फ़ोन भी जाना होगा और आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखता है, तो आपको सॉफ्टवेयर अपडेट पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपको यहाँ पर जो फ़ोन का अपडेट होगा वो आपको शो हो जाएगा, वर्जन भी आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद आपको इसके इंस्टॉलेशन नाउ पे क्लिक करना है। जो डाउनलोड नहीं हो तो डाउनलोड कर लीजिएगा, फ़िलहाल मेरा ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है, सिर्फ इंस्टॉल करना था। तो इसी तरीके से आप भी इंस्टॉल करके और इसको जो अपडेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा ये प्रोसेस होना शुरू हो चुका है यहाँ पर। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और बताना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में घंटी का ऑप्शन आया तो उसे भी क्लिक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं डू नॉट परफॉर से ऑपरेटिंग सिस्टम आपको दिखा रहा है ऑपरेटिंग, और थोड़ा वेट करना है और ये आपका फ़ोन है जो कि अपडेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आगे का प्रोसेस बताऊंगा, जब तक ये कंप्लीट हो रहा है तब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ और समझा पाऊँ। तो प्लीज़ जब तक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए थोड़ी देर वेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सिंपली ये अपडेट हो चुका है, इसी तरीके से आप भी अपडेट कर सकते हैं। तो कोई प्रोसेस नहीं लगा है इसमें, सिर्फ आपको छोड़ देना है, उसके बाद लोडिंग होगा, ऑटोमेटिकली ये अपडेट हो जाएगा। तो गाइस, इसी प्रकार से आप भी अपडेट कर सकते हैं। तो मैंने आज के वीडियो में बताया किस तरीके से आप अपने वीवो का फ़ोन अपडेट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार एंड गुड बाय, टेक केयर।